है भी आपको बताएं कि वजीर आजम के खिलाफ नाअहली के चारों रेफरेंस मुस्तरद कर दिए गए हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का सवाल है। एयाज सादिक ने 8 रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जी हाँ, पीटीआई को एक सेटबैक है। वजीर आजम के खिलाफ नाअहली के चारों रेफरेंसेज मुस्तरद कर दिए गए हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली का सवाल उठता है, ये कहना है स्पीकर एयाज सादिक का, और उन्होंने 8 रेफरेंसेज इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। इस हवाले से अदील वडाइश की रिपोर्ट देखते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की जानिब से 8 रेफरेंसेज इलेक्शन कमीशन को मौसूल। वजीर आजम के खिलाफ चारों नाअहली रेफरेंसेज मुस्तरद। स्पीकर ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का सवाल उठा दिया। अचकज़ई और वजीर आजम को क्लीन चिट। भिजवाए गए रेफरेंसेज में वजीर आजम के खिलाफ 4, इमरान खान के खिलाफ 2, जबकि महमूद अचकज़ई और जहांगीर तरीन के खिलाफ 1-1 रेफरेंस शामिल है। इमरान खान और जहांगीर तरीन के रेफरेंस पर लिखा गया है कि नाअहली का सवाल उठता है, जबकि वजीर आजम और महमूद अचकज़ई के रेफरेंसेज पर लिखा गया है कि नाअहली का सवाल नहीं उठता। स्पीकर ने शेख रशीद का वजीर आजम के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भी मुस्तरद करते हुए वापस कर दिया। शेख रशीद को तहरीरी तौर पर आगाह करते हुए कहा है कि वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस के साथ शवायद नाकाफी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेफरेंसेस कमीशन के सामने रखेंगे। अदील वड़ाइच, दुनिया।